तो ये हो चुका है रेडी, अब इसको हम अपने शेकर के अंदर डालेंगे। What's up guys, welcome to another vlog। आज का vlog मैं साइकिलिंग करते हुए शुरू करना चाहता तो था, बट अभी जैसे मैं घर जा रहा था मेरी साइकिल एक्चुअली पंचर हो गई, और ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है। पता नहीं क्या बीच में आया और नई ट्यूब लगवाई थी मैंने और वापस से पंचर हो गई। अभी बज रहे हैं 12:20। आज वेट ट्रेनिंग करी सुबह और देखा कि धूप इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो सोचा साइकिलिंग भी कर लेते हैं लगे हाथ। मास्क अभी नीचे इसलिए क्योंकि आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आसपास जैसा आप देख सकते हैं रोड एकदम खाली है। ये खींचते खींचते घर जाना पड़ेगा, मेरा घर अभी यहाँ से आई गेस 1 किलोमीटर दूर है। मैंने पता है इतना सोच रखा था ऐसे स्टाइल से साइकिलिंग करते करते व्लॉग स्टार्ट करूँगा और सारा पोपट हो गया। 8 से 10 किलोमीटर साइकिल हर दिन चला रहा हूँ, तो कार्डियो बढ़िया चल रहा है। क्या आपके भी मेरे जितना पसीने बहते हैं क्या? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नॉर्मल ह्यूमन बींग से ज़्यादा पसीने आते हैं। ये किस्मत ऐसी डॉगी चीज़ है ना, साली कभी भी पलट जाती है। अभी इतनी देर से साइकिलिंग कर रहा था तो धूप थी नहीं, और अब जैसी साइकिल का टायर पंचर हुआ और मैं पैदल पैदल घर जा रहा हूँ तो सूरज देवता जी आ गए। अरे थोड़ा रैम खा लो भगवान, प्लीज यार धूप कम कर दो। ओके, तो फाइनली लौंडा तुम्हारा नहा धोके एकदम साफ सुथरा सा हो चुका है। पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में जो आप लोगों ने कमेंट करे मुझे पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आया, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ कमेंट करने के लिए बोलूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सिटी में कौन सी एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बोलूँ कि बेस्ट चीज मेरे को खिला दो, तो आप खिलाना चाहोगे और वो कहाँ मिलती है। जैसे मैं जयपुर में हूँ तो जयपुर में GT करके एक मॉल है, वहां पर पीछे ना लाइन से ऐसे ठेले वाले बैठते हैं मोमोज वगैरह बेचता है, तो वहां पर बबलू करके एक मोमो वाला बैठता है, उसके फ्राइड मोमोज, मतलब मैंने उससे बेस्ट मोमोज आज तक कभी नहीं खाए। तो ऐसा जो भी आपको बेस्ट चीज लगती है वो कमेंट करके बताओ, जिससे अगर कभी मैं आपके सिटी में आऊँ या फिर अपनी जो जनता है वो वहां पर हो या कभी आए तो वो चीज वो लोग ट्राई कर सके। तो मैंने कल 2 नई चीजें खरीदी हैं। एक है ये कैसियो की घड़ी, विंटेज कलेक्शन आता है कैसियो का, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और प्लस मुझे गोल्डन कलर ट्राई करना था, ये यूनिसेक्स वॉच है आई गेस। एंड बैम, सेकंड चीज जो मैंने खरीदी वो ये शूज खरीदे मैंने ज़ारा से, इतने सुंदर जूते हैं, मेरे को मजा आ जाता है यार। मेरे को ब्लैक कलर के शूज चाहिए थे, फुल ब्लैक, और इसमें अगर आप देखोगे तो जो भी इसके डिजाइन हैं डिटेलिंग बहुत प्रॉपरली हुई है, एंड आई कांट वेट टू वेयर देम। इस पर टैग अभी भी लगा हुआ है, बट मैं ओकेजन देख रहा हूँ जब मैं इसको पहन सकूँ, सो आई होप वो ओकेजन जल्दी आए। और शो ऑफ नहीं कर रहा यार, मतलब मैंने लोगों को देखा है व्लॉग में अपनी जनता के साथ चीजें शेयर करते हुए कि क्या क्या डेली लाइफ में हो रहा है, तो सोचा इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हाँ, अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, प्रोटीन शेक के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो मैंने प्रोटीन पाउडर जैसा आप लोगों को बताया था कि मैंने ऑर्डर करा हुआ, मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट करा है उसको अभी रेगुलरली। मुझे ना शेक्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें खाने का बहुत शौक है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं क्योंकि मैंने 18 किलो वजन कम करा है, बट अभी भी मेरे को क्रेविंग होती है। पर मैंने एक ऐसी चीज़ ढूंढ निकाली जिसके बाद मुझे और ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती। मैं सोच रहा था कि मैं अपने प्रोटीन शेक को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। देखा मैंने घर में क्या क्या रखा है, दूध रखा था, काजू बादाम रखे थे, हनी रखा था, मैंने वो सब मिक्स कर दिया, प्रोटीन शेक डाला, मिक्सी में घुमाया, और जो बन के रेडी हुआ मेरी लाइफ बदल गई, कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया। आओ पहले बना के दिखाती हूँ। मोटा हमारा एज यूजुअल सोता हुआ, पूरे दिन सोता है मेरा बच्चा। आपने नोटिस करा वो जो पेट लवर्स होते हैं ना, जैसे वो लौंडे भी होंगे तो वो ऐसे रफ एंड टफ बनेंगे दुनिया के सामने कि हाँ बता और बता ये वो, पर जैसे वो अपने पेट के सामने आएंगे ना तो ओलो मेरा बच्चा, हाँ मेरा चुन्नू, ओलो लूलू, सो जाओ चुन्नू सो जाओ मोटू। अच्छा सो जाओ। किचन में आ चुका हूँ मैं इस वक्त, और लाइट थोड़ी सी चली गई है तो मेरे पसीने बहते हुए ऐसे दिख सकते हैं। जार इसके अंदर मैं सबसे पहले डालने वाला हूँ मिल्क, दूध हमने डाल दिया इसके अंदर। नेक्स्ट चीज जो मैं लेने वाला हूँ वो है ये काजू और बादाम जो सुबह सुबह मेरी मम्मी भिगा के गई है, बट इनको हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे, पहले हम इनको इसमें पीसेंगे और फिर डालेंगे। अब लूंगा मैं 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, पर बस 1 चम्मच हनी, ओ हो आहा, इतना डिलीशियस लग रहा है। और फाइनली हमने ले लिया 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर, ये चॉकलेट पीनट बटर प्रोटीन पाउडर है, इस 1 स्कूप में आई गेस 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, तो ये मैं उसके अंदर मिक्स करने वाला हूँ, और मेरे पसीने पानी की तरह बह रहे हैं। आज मेरे को लग रहा है मैं वीडियो के अंदर तीसरी बार भूल चुका हूँ ये बात। सारा माल इसके अंदर ही है, सब कुछ रेडी है, और इसको अब हम मिक्सी के अंदर घुमाने वाले हैं। ओके 1 2 3, तो ये हो चुका है रेडी, अब इसको हम अपने शेकर के अंदर डालेंगे। टन 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 टन, बाय गॉड बिल्कुल आइसक्रीम शेक वाली फीलिंग आ रही है। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं सीधा पानी के अंदर प्रोटीन पाउडर डालता था, उसको शेक करके मिक्स करता था और पी लेता था, तो वो एवरेज सा होता था, मतलब थोड़े दिन चला, उसके बाद थोड़ा बोरियत सा लगने लगा, टेस्ट अजीब सा लगने लगा, फिर मैंने सोचा कुछ नया ढूंढते हैं और
अब मुझे ये मिला है। सी आई नो कि आप सबके पास प्रोटीन शेक नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते होंगे, कुछ लोग अभी अपनी पॉकेट मनी से अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स ओके। आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, मेरे मम्मी पापा भी शायद मेरे को इतना खर्चा करके नहीं दिलाते। अब मैं खुद के पैसे कमाने लग गया हूं, तो जमा कर करके मैंने प्रोटीन पाउडर ऑर्डर करा, और तब ऑर्डर करा जब मुझे पता है कि ये मैं रेगुलरली कंज्यूम कर सकूं और वर्कआउट कर सकूं, क्योंकि आई एम डिसिप्लिनड इन माय वर्कआउट जोन। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लस मेरा वेजिटेरियन घर है पूरा, तो नॉनवेज नहीं बनता, और नॉनवेज में ही अच्छा खासा प्रोटीन होता है। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। वेजिटेरियंस के लिए आप गूगल कर सकते हो, जैसे मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं पहले जो चीला बनाता था वो मैं बेसन का चीला बनाता था, क्योंकि बेसन हाई प्रोटीन होता है। तो ऐसे आप और भी चीज़ें सर्च कर सकते हो। प्लस If you guys want, I can check out मैं इंटरनेट छान मार के कुछ ऐसा बना के ट्राई कर सकता हूँ जहाँ पे हम प्रोटीन पाउडर बिना यूज करे कुछ हाई प्रोटीन ड्रिंक बना सके। तो अगर आप चाहते हो तो कॉमेंट जरूर करना। थरा सूजी का चीला है, मम्मी ने बनाया है। ये कैप्सिकम दिख रही है, गाजर दिख रही है, आलू दिख रहा है, पनीर दिख रहा है, और ये येलो वाली दाल, मजा आएगा खा के। तो मैं खाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। सी एक क्वेश्चन जो मुझे पता आ सकता है कि कौन सी ब्रांड का प्रोटीन ले रहे हो। मैं अभी कोई ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी मेरे को एक महीना हुआ है यूज़ करते करते, और मैं थोड़ा और यूज़ करना चाहता हूँ और फिर एक्चुअली नाम बताना चाहता हूँ कि ये है और इसमें ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। अगर आपको चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि आप YouTube पर सर्च कर सकते हो, जो फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं एक्चुअली वो सजेस्ट कर सकते हैं कि देख लो कि व्हाट्स द बेस्ट प्रोटीन पाउडर अवेलेबल इन इंडिया। और किसी एक के कहने में मत जाना, कम से कम 4-5 वीडियोस देखना आसपास, कोई लोग जो फिटनेस में हो उनसे एडवाइस लेना, और फिर किसी कंक्लूजन में जंप करना। बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो ट्राई करने के बाद ही पता लगेगा। शाम के बज रहे 6, मैं इस वक्त छत पे हूँ, बारिश हल्की हल्की हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, मुझे एक्चुअली काम से बाहर जाना था बट बारिश तेज होने की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो बैठ के एडिटिंग कर लेते हैं। एडिटिंग करी, एंड तक पहुंचा तो याद है अरे व्लॉग एंड करना तो भूल गया, तो इसलिए अब फोन से रिकॉर्ड करके एंड कर रहा हूँ। गाइस पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो अपन व्लॉगिंग में नए हैं, बहुत ही रॉ है, बट आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। जो लोग प्यार दिखा रहे थैंक यू सो मच, और जो नहीं दिखा रहे आप भी दिखा लो यार, मुफ्त का है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय। और मैं बाय को हमेशा बहुत स्ट्रेच कर लेता हूँ, तो बाय 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 बाय।